Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. वेलकम बैक गाइज, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड सुपर हीरोइन कंगना रनौत की आने वाली मूवी जजमेंटल का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो जारी हो चुका है। ये जो मूवी है काफ़ी एक्शन से भरपूर है, रोमांस से भरपूर है और जो एक मेंटल प्रवृत्ति की जो छवि यहाँ पे कंगना रनौत की देखने को मिलती है वो काफ़ी देखने लायक है। आप ट्रेलर देखने के बाद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि कंगना रनौत ने ऐसी परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर दी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जजमेंटल है क्या इस ट्रेलर पर रिएक्शन देते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं कि आखिर इसके अंदर काफी जबरदस्त बात क्या है जो इस मूवी को अलग बनाती है, यानी जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करना चाहती है। चलिए सबसे पहले रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन के बाद इसका रिव्यू करेंगे। हम पुलिस वाले दुनिया का काटते हैं, ये दोनों मिलके हमारा काट रहे हैं। मर्डर इन दोनों में से एक ने तो किया है, मगर चार्ज क्या लगाएंगे? जबरदस्त डायलॉग क्या है इसमें? बड़बोली है, अतरंगी है, हीरोइन की तरह कपड़े सिलवाती है। अब कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हें, नॉर्मल नहीं हो तुम। वकील प्लीड करेगा 20,000 का फाइन या असाइलम में इलाज। दूसरा वाला ले लो। क्या? असाइलम वाला, कंफर्टेबल हो। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। केशव को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डप्पा कैसा? नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जॉब, कुछ ज्यादा नॉर्मल नहीं है। आजकल नॉर्मल लोगों से डरो। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। दुनिया में लोगों को काट डाले, धोखा कभी हो जाता है। तुम केशव से ऑब्सेस्ड हो। केचप लगा के पूरा आपको निकल जाए, ऐसा शाकाहारी है। हाँ सर, मैंने झूठ बोल के सिगरेट पी है, चिकन खाया है, तो इस इल्जाम में आप मुझे मर्डर में फंसा दोगे। आपकी बीवी को पता है आप सारे दिन थाने में बैठ के यही आलू भुजिया खाते रहते हो? वो केशव ना आपको फिरकी की तरह घुमाएगा। क्रेजी है वो, दिमाग खराब है उसका। बॉबी है ये मेगा, ये ना धरती में समाएगी ना रावणी से लेके जाएगा। तुम इससे टेंपर नहीं कर सकते, ये एविडेंस है। मेरी फैमिली है ये। I will expose you. Yeah, go, expose me. Fuck! Hello. Whoa, what is going on? मेरे घर में को I like it. आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव की फूलों में जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब है? उसे इंसाफ चाहिए। उसे इंसाफ चाहिए। Trust no one. 26 July. सो गाइज, जैसे कि आपने ये ट्रेलर देखा कि 26 जुलाई को ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने वाली है, बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है। उससे पहले इस मूवी के अंदर जो आपने कॉमेडी, जो एंटरटेनमेंट, जो फनी स्टोरी देखी और कंगना रनौत का जो डायलॉग देखा लास्ट के अंदर, सर ये कॉकरोच जाके उसकी फोटो पर बैठ गया, इसका मतलब क्या है? उसे इंसाफ चाहिए। ऐसे ऐसे ज़बरदस्त डायलॉग इस मूवी के अंदर जो इस मूवी को काफ़ी अलग बनाते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से केसों को देख के मन के अंदर जो रोमांस पैदा हो रहा है जो हमारी सुपर हीरोइन कंगना रनौत के मन में, वो भी काफ़ी देखने लायक है। किस प्रकार से वो बेचैनी की निगाहों से देखती है और किस प्रकार से उसके बाद उसको मर्डर केसों को मर्डर में फंसाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बात नहीं मानती। तो सिंपली मेंटल ऐसे भी कह सकते हैं कि प्यार अंधा होता, तो लव मेंटली भी इस मूवी को कह सकते हैं कि लव मेंटली है यहाँ पे कंगना रनौत। और किस प्रकार से जो मेंटली हैंडल कर रही है, किस प्रकार से पुलिस वालों को घुमा रही है, एक ये स्टोरी का जो कंसेप्ट है बिल्कुल मेरे को अलग देखने को मिला किसी अन्य मूवी से, बिल्कुल अलग, पूरी तरह से ये अलग मूवी टोटली मिला के। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं, अगर आपको कॉमेडी पसंद है, अगर आपको एंटरटेनमेंट पसंद आती है, ये मूवी आपके लिए सुपर बेस्ट है, तो आप इस मूवी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं संदीप कुमार आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए।